इजी और स्मॉल साइज एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एथिक्स, इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस एथिक्स का बेसिक लॉजिक, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बिजनेस एथिक्स इज अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स डेट एग्जामिन्स एथिकल प्रिंसिपल्स एंड मॉरल और एथिकल प्रॉब्लम्स डेट अराइज इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एथिक्स की जो बेसिक लॉजिक है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए, वो बिजनेस को रूल्स एंड रेगुलेशन का पता होना चाहिए, जो बिजनेस को फॉलो करने चाहिए, जो एक बिजनेस को पता होना चाहिए क्या गलत है क्या ठीक है, सोसाइटी के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे हमने कस्टमर के मुताबिक चलना है, कैसे हमें पता होना चाहिए कस्टमर का थॉट कैसा है, कस्टमर की माइंड परसेप्शन कैसी है, उसके मुताबिक हमने चलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एक बिजनेस है, एक कंपनी है, उधर जो उसके एम्प्लॉय हैं वो काम करते हैं, उन्हें अच्छी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही, वो आराम से काम नहीं कर सकते, मतलब उन्हें कोई अच्छे कमरे में कहीं जिधर उन्होंने काम करना है लेबर ने, उन्हें वो अच्छी जगह नहीं प्रोवाइड, उन्हें पीने के लिए पानी नहीं दिया जा रहा, तो ये बिल्कुल बिजनेस के एथिक्स के खिलाफ है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो ये इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है बिजनेस एथिक्स में। अभी जैसे टॉप मैनेजमेंट होती है, अभी उसका रूल है, जब वो इंटरव्यू के लिए जब लोगों को सिलेक्ट करती है, स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट को, तो उस वक्त जब टॉप मैनेजमेंट है, एक स्टूडेंट अच्छा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, पर उसे सिलेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो दूसरे स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेती है जो अच्छा भी नहीं है और जिसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, पर उसकी सिफारिश है या उसकी किसी रिलेटिव ने या उसकी किसी जान पहचान वाले ने उसकी सिफारिश की है कि इसे जॉब दे, तो ये बिल्कुल बिजनेस एथिक्स के खिलाफ है। तो बिजनेस एथिक्स में ये है कि हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस के लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इसके मुताबिक हमने अपने बिजनेस को रन करना है। तो इंडिविजुअली जजमेंट अबाउट राइट एंड रॉन्ग डिसीजन अच्छे से लेनी चाहिए कि हमारी डिसीजन से, हमारे ये जो हम काम कर रहे हैं, इससे इन्वायरमेंट पे, इससे कल्चर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि एक कंपनी जो है अगर अच्छी डिसीजन करती है, अच्छी कस्टमर ओरिएंटेड है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करती है, तो ऑटोमेटिकली उसकी बिजनेस की रेपो बिल्ड हो जाती है, उसकी एक ब्रांड इमेज, एक गुडविल क्रिएट हो जाती है। तो बिजनेस एथिक्स में सबसे पहले एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ख्याल रखना चाहिए, लोगों के कल्चर का, लोगों के सब कल्चर का, लोगों की परसेप्शन का, लोगों को क्या चीज़ पसंद है, उनके साथ कैसे चलना है, उनको कैसे अपनी अपनी कंपनी से जोड़े रखना है, उनको कैसे अपनी अपने काम के साथ लगाव देना है, उन्हें भी एक डायरेक्शन देनी है कि इस डायरेक्शन में वो काम करें। तो ये बिजनेस एथिक्स में ये सारा आ जाता है कि हमने किस एथिक्स से बिजनेस करना है, हमें बिजनेस के एथिक्स का पता होना चाहिए कि किस जगह पे हमने कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है और कौन सी मार्केट में कैसे प्रोडक्ट बेचनी है, दूसरी कंपेटिटर के अपोजिट या उनकी कोई खिलाफ वर्जी या रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट की हैं उनको फॉलो करना है, और अपनी इंटरनल एम्प्लॉय और बाहर के कस्टमर का भी ख्याल रखना होता है। इन सब को मद्देनजर रख के हमने एथिक्स में रहकर एक बिजनेस को रन करना होता है, बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करना होता है। तो ये है बिजनेस एथिक्स, इसका बेसिक लॉजिक मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।